नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 24/7 लाइव टीवी। मैं हूं आपके साथ मधुमिता वर्मा। वैसे तो कल्पना चावला की जगह हर दिल में है, लेकिन आज कुछ खास है क्योंकि आज कल्पना चावला की जयंती है। अंतरिक्ष को हर कोई निहारता है, लेकिन अनंत अंतरिक्ष की गहराइयों में क्या है उसे करीब से देखने का मौका कुछ लोगों को ही मिलता है। उन्हीं में से एक थी भारतीय मूल की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला। बता दें कि कल्पना चावला का जन्म 17 मार्च यानी आज के ही दिन 1962 को हरियाणा के करनाल में हुआ था। विज्ञान हमेशा से उनको पसंद था और बचपन से ही फ्लाइट इंजीनियर बनने का सपना देखती थी। पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के बाद वे मात्र 20 साल की उम्र में आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका चली गई। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री हासिल की। उसके बाद कोलोराडो यूनिवर्सिटी से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में पीएचडी की। इसी दौरान उन्होंने 2 दिसंबर 1983 को जीन पियरे हैरिसन से शादी भी कर ली। आइए जानते हैं कल्पना चावला का कैसा रहा नासा के साथ सफर। कल्पना चावला ने वर्ष 1988 में नासा के लिए काम करना शुरू कर दिया था। फिर दिसंबर 1994 में स्पेस मिशन के लिए उनका चयन अंतरिक्ष यात्री यानी एस्ट्रोनॉट के रूप में कर लिया गया। वर्ष 1997 में उन्हें पहली बार स्पेस मिशन पर स्पेशलिस्ट और प्राइमरी रोबोटिक आर्म ऑपरेटर के रूप में उड़ान भरने का अवसर मिला था। 19 नवंबर 1997 को अंतरिक्ष मिशन पर प्रस्थान करते ही उन्होंने एक नया इतिहास रच दिया। वह अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला थी। इस मिशन के दौरान उन्होंने कुल 372 घंटे अंतरिक्ष में बिताए थे। आपको ये भी बता दें कि कल्पना चावला ने वर्ष 1993 में पहली बार नासा के स्पेस मिशन के लिए आवेदन किया था, लेकिन तब उन्हें अस्वीकार कर दिया गया। वर्ष 1991 में उन्होंने अमेरिका की नागरिकता हासिल कर ली थी। कल्पना चावला हमेशा छात्रों से कहती थी कि आपको जो भी लक्ष्य है उसकी तरफ देखो और उसका पीछा करो। सभी को अपने लक्ष्य की ओर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने 16 जनवरी 2003 को अपने दूसरे मिशन के लिए फिर उड़ान भरी। ये मिशन स्पेस शटल कोलंबिया STS-107 था, जो स्पेस शटल प्रोग्राम का 113वां मिशन था। इस मिशन पर वह मिशन विशेषज्ञ की भूमिका में थी। बता दें कि स्पेस शटल की मिशन से वापसी 1 फरवरी को होनी थी। STS-107 स्पेस शटल धरती पर आने ही वाला था कि लैंडिंग से केवल 16 मिनट पहले वह आग के गोले में बदल गया। इस हादसे में कल्पना सहित पूरे दल की मौत हो गई। कल्पना चावला नहीं रही, लेकिन उनकी कहानी आने वाले पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा बनी रही है। तो ऐसी ही बड़ी खबरों को